अगर आपको हैवी गाउन में बाजू लगानी है तो ये वीडियो आपके लिए है। ले ली है 1 मीटर नेट और मैंने इसे अपने गाउन के कलर से कलर करवा लिया है सेम, और मैंने इसको 4-4 इंच के पट्टी काट ली है, और इसकी जो एक साइड है उसको मैं पीको करूँगी और एक साइड पे मैं फ्लेयर डालूंगी। तो पीको फुट लगा लेती हूँ, मैंने लगा लिया है पहले। तो ऐसे स्ट्रेच करके पीको करनी है ताकि वो फ्लेयरी लुक आए। देखो ऐसे स्ट्रेच करके, देखो पीछे से भी स्ट्रेच करना है और आगे से भी स्ट्रेच करना है। ऐसा लुक आएगा, फ्लेयरी लुक आ जाएगा। मैंने ऐसे ही चारों पट्टियाँ को पीको करके रख लिया है। हमने पीको कर ली और एक तरफ हमें बड़ा बखिया करके, सबसे बड़ा वाला करके सिलाई मार लेनी है। उसके बाद हमें एक धागा खींच लेना है जिससे कि ऐसे चुन्नटे बच जाएगी। अपनी बाजू के हिसाब से पहले बाजू नाप लेना कितनी आपकी बैटरी है। उसके बाद मेरी तो, मेरे को 2 जोड़ने पड़ेंगे इसलिए मैंने 4 बनाए हैं, तो मैं ऐसे ही करके 2-2 जोड़ लेती हूँ। देखो ऐसे मैंने ये जोड़ लिया है। देखो ये पता भी नहीं चलेगा फ्लेयर में के अंदर रह रहेगा। अगर आपके पास बड़ा नेट आपके पास है, बड़ा आपने लंबा नेट ले लिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे 2 पीस जोड़ लेंगे। उसके बाद ये मैंने गाउन ले लिया है मेरा, और मैं इसको नाप लूंगी कि ये पूरा पड़ रहा है या नहीं। उसके बाद मैं इसको पिन से अटैच कर लूंगी ताकि फिनिशिंग से और अच्छे से सिलाई हो जाए और ये जुड़ जाए। उसके बाद हमें इसको सिल लेना है। देखो ऐसे चारों तरफ से सिल के ये पिन मैं हटा लेती हूँ। तो इस पूरे में ओवरलॉक कर सकते हैं, मैं लास्ट में कर लूँगी बिल्कुल दोनों सिर्फ लगाने के बाद। देखो ये एक पिन रह गई। तो ऐसे फ्लेयरी बाजू बन जाएगी। इसको दूसरी तरफ भी अटैच कर लूँगी, दूसरी स्लीव भी अटैच कर लूँगी। देखिए फाइनल लुक कितना सही लग रहा है। ये रफल गाउन है इस वजह से मैंने इसकी फ्लेयरी बाजू रखी है। आप चाहें तो इसको सिंपल बाजू भी बना सकते हैं। देखो ये है फाइनल लुक, मैंने जो पहले पहन कर देखा था तो ये ऐसे लुक में आया था। ये है मेरा फाइनल लुक। कमेंट्स में बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।